कि जब आफ्ताब पर्दे में जाने लगा तो हमको नसीहत की गई कि मन का हाफिजन ले दीन है साइनन ले नफसे मुखालिफन अला हवा मुतीअन ले अपने मौला फले लवा में यो कले। जो लोग कहते हैं दलील क्या है, हम क्यों माने, नहीं हम जिनको मानते हैं उन्हीं का हुक्म है, उन्हीं का हुक्म है। मन का ना हाफिजन ले दीन है ऐसे फकीह, हमारे ऐसे इल्म के जानने वाले जो अपने दीन की हिफाजत करना जानते हैं, अपने दीन के मुहाफिज हों। और अजीजाने गिरामी ये इरशादे मासूम है, इसको हल्के में ना लीजिएगा, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। मन का ना हाफिजन ले दीन है वो आलिम वो फकीह जो अपने दीन का मुहाफिज हो। फकीह का दीन मामूली नहीं है, इसकी खरीदार हुकूमतें होती हैं, इसके खरीदार खजाने होते हैं, इसके खरीदार लश्कर होते हैं, इसके खरीदार इख्तदार होते हैं। जो तलवारों के सामने, मौत के सामने, हुकूमत के सामने, लश्करों के सामने अपने दीन की हिफाजत कर सके, मन का ना हाफिजन ले दीन है, ये दीन की हिफाजत करना जानता हूं। मामूली बात है, मुज्तहिद का दीन, आलिम का दीन, फकीह अहले बैत का दीन, क्या आप कोई मामूली चीज समझते हैं चंद पैसों की? सारी दुनिया की कीमत एक तरफ रख दी जाए तो उसके दीन की कीमत नहीं बनती। मन का ना हाफिजन ले दीन है साइनन ले नफसे, अपने नफ्स को बुराइयों से बचाने वाला, खुद अपने नफ्स के ऊपर भी कंट्रोल हो, इसलिए कि नफ्स के ऊपर कंट्रोल होना बहुत बड़ी बात है। हाफिजन ले दीन है में एक्सटर्नल दुश्मन है जो बाहर से आ रहा है उससे लड़े, साइनन ले नफ्से में इंटरनल दुश्मन है जो अंदर से निकल रहा है उससे लड़े, मुखालिफन अला हवा। और दीन की इमारत अकायद की बिल्डिंग इतनी पुख्ता बनाई हो कि जब हवा हवस की आंधियां चले और ख्वाहिशात दुनियावी के तूफान उठते तो उनसे वो इमारत गिर ना जाए, उसमें लर्जा ना पैदा हो जाए, उसके अंदर हालात ना बिगड़ जाए। साइनन ले नफ्से मुखालिफन अला हवा, हवा हवस का मुखालिफ हो, मुती अनले अमरे मौला, और मौला के हुक्म का मुती। यह है जबान मासूम, ये वो घराना है कि जो जिसको कुरान दिया गया, और ये वो घराना है जमाने ने जिससे नहजुल बलागा पाई, लिहाजा यहां जबानो बयान के मौजज़े सुनने में आते हैं। कमाल नहीं, कमाल दूसरी चीज है, कमाल का लफ्ज हल्का है, यहां जबानो बयान के मौजज़े दिखाई देते हैं। मुखालिफन अला हवा मुती अनले अमरे मौला, मौला से यहां मुराद तो अल्लाह है, मगर अजीदाने गिरामी मुज्तहिद को, फकीह को, आलिम को तीन हस्तियों से काम पड़ता है, या खुदा से, या रसूल से, या इमाम से। इरशाद परवरदिगार क्या है उसको तलाश, इरशाद रसूल क्या है वो तहकीक कर रहा है, इरशाद इमाम क्या है उसको तलाश है। तो फकीह को हर दम जो ताल्लुक है वो या अल्लाह से, या रसूल से, या इमाम से, हर एक के लिए लफ्ज अलग हैं। अल्लाह अल्लाह है, उसको रसूल कहिए तो उसकी तौहीन है, उसको इमाम कहिए तो शान के खिलाफ है, रसूल रसूल हैं उनको अल्लाह कह दीजिए तो आपका दीन ही चला जाए, इमाम इमाम है उसको रसूल कह दीजिए तो काफिर हो जाइए, खत्म रिसालत के कायल न रहिए, उसको अल्लाह कह दीजिए तो मुशरिक हो जाइए। हैं, लिहाजा इमाम इमाम कहलाएगा,
رسول رسول کہلائے گا اللہ اللہ کہلائے گا لیکن پوری ڈکشنری میں ایک لفظ مشترک ہے جو اللہ کے لیے بھی ہے رسول کے لیے بھی ہے امام کے لیے بھی ہے اور وہ ہے مولا اللہ ہو مولا یا فانا مولا المومنین فمن کنت مولا ہو فہذا علی